गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डुप्लीकेट जीन। हम इस वीडियो में जो होते हैं जेनेटिक इंटरेक्शन जो वो पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक इंटरेक्शन के ऊपर जो होते हैं हम सप्लीमेंट्री जीन में, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में और इनविटर जीन की पहले जो होते हैं वीडियो बना चुके हैं। हम अलग अलग वीडियो में जो होते हैं एक एक जीन को ले रहे हैं और उसके बारे में जो होता है डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एमएससी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज के जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं और साथ में हम जो क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन से जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो डुप्लीकेट जीन, तो डुप्लीकेट जीन क्या होता है? तो डुप्लीकेट जीन होता है कि दो पेयर जो होते हैं वो एक तरह से ही जो होते काम करते हैं, एक ही तरह का जो होता है करेक्टर शो करते हैं, एक ही तरह का आइडेंटिकल जो होगा वो करेक्टर देंगे। तो उस दो जीनों को हम क्या कह देते हैं, एक दूसरे का डुप्लीकेट कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखते हैं तो राइस जो था, तो राइस के अंदर हमें एक जीन मिला जो उसके अंदर एक करेक्टर दे रहा था पर्टिकुलर, और राइस के अंदर ही हमें दूसरा एक और जीन मिला जो वो ही पर्टिकुलर करेक्टर जो है वो दे रहा था। तो इसी तरीके से एक करेक्टर था इसमें एवेंड, और इसी तरीके से दूसरा जीन भी क्या दे रहा था उसके अंदर एवेंड दे रहा था। तो इस तरीके से हमने जाना कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो सेम करेक्टर को भी जो है वो शो कर सकते हैं। तो ऐसे दो जो सेम करेक्टर को दर्शाते हैं, शो करते हैं, उसे हम डुप्लीकेट जीन कह देते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो इसी तरीके से हमने लिखी है, द टू पेयर ऑफ जीन विच हैव आइडेंटिकल इफेक्ट आर नोन एज डुप्लीकेट। यहाँ पे आपको याद रखना टू पेयर्स, पेयर्स में होनी चाहिए दो पेयर ऑफ जीन जो कि आइडेंटिकल करेक्टर जो होता है वो शो करते हैं दूसरे जीन की तरह ही, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डुप्लीकेट जीन। अब डुप्लीकेट जीन में किस तरह की रेशो बनती है, तो उसमें बनते हैं 15:1। अगर आपको क्वेश्चन देते कि प्रूफ दैट या ये किस में जो होते प्रेजेंट होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रेजेंट होते हैं डुप्लीकेट में, मतलब ये जीन इंटरेक्शन का जो है टॉपिक है और डुप्लीकेट जीन आप इसमें पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें क्या है, एग्जांपल ले लिया हमने राइस का, तो राइस में हमें क्या मिला, एक करेक्टर था एवेंड, उसके लिए उसके अंदर जो होते जो जीन मिले वो थे A1 और A2, और इसी तरीके से अवेलेस जो होता है जिसमें मैन करेक्टर प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर था रिसेसिव फॉर्म में A1 A2, और उसको जब हमने आगे क्रॉस कराया तो उससे गेमिट बने, और गेमिट बनने के बाद उसका रिजल्ट आया। तो आपको याद रखना कि गेमिट जब बनते हैं तो गेमिट बनते वक्त कौन सा ला यूज होता है, तो आपको देखना कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट या असॉर्टमेंट, उसको देखने के लिए आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आप होमोलोगस कंडीशन देख पा रहे हैं जिसकी ये होमोलोगस है, तो वहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको लगाना है। अगर यहाँ पे हिटरोलोगस कंडीशन होती है तो हम क्या लगाते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होमोलोगस है, तो हमने इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इसमें से एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे चला गया। इस तरीके से होमोलोगस थे तो इनमें से ये डिवाइड हो गए, इसी तरीके से इसके गेमिट बने। अब गेमिट बनने के बाद उनके क्या बना, F1 जनरेशन आई, चारों सेम रिजल्ट क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम रहेंगे। तो जब इसको हमने देखा तो इसमें क्या बना, ये बना एवेंड, कि ये करेक्टर भी किसको शो कर रहा था, एवेंड को, और ये भी किसको शो कर रहा था, एवेंड को। तो दोनों जो थे डोमिनेंट थे, दोनों डोमिनेंट किसको शो कर रहे थे, एवेंड को, तो ये क्या बना, एवेंड। अब इससे अगर आप F2 जनरेशन निकालते हो तो F2 जनरेशन भी निकाल सकते हो। वैसे हमारा जो है यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि जो डेफिनेशन हमने बताई थी कि जो जीन्स हो गए वो क्या करेंगे, आपस में सेम करेक्टर शो करेंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मगर F2 जनरेशन तक भी आप जा सकते हैं, F2 तक जाने के लिए आप F1 में जो आपको रिजल्ट मिला है इनके आपस में आप क्रॉस करा सकते हैं, और क्रॉस कराने के बाद आपको F2 जनरेशन मिलेगी। तो इसमें भी मिला था A1 A2 और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो हमने लिया था वो भी इसी तरीके से था। अब इसमें क्रॉस कर ले, अब इसके गैमेट बना लेते हैं। अब गैमेट बनाते वक्त आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो आपको ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी इसमें, बीएससी वगैरह के तो कर लेते हैं बच्चे, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे ये क्या है, ये हिटरोलोगस कंडीशन है, और हिटरोलोगस कंडीशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो लास्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये इंडिपेंडेंटली मूव करेगा इसके साथ या इसके साथ, तो दोनों के साथ जा सकता है ये। तो हमने यहाँ पे करेक्टर लिख लिया A1, A2,
अब ये इसके साथ भी मूव कर सकता था, A1, A2, इसी तरीके से इसके साथ A1, A2 और ये इसके साथ, तो A1, A2। इस तरीके से क्या बन गया हमारे पास, चार गिंग जो होते हैं गेमिट जो है वो अलग अलग वे बन गए। अब इसी ये भी सेम है तो इससे ऐसे ही बनेंगे, तो इनको हम यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। अब इनके बीच में आप क्रॉस कर सकते हो आगे, तो ये बनेंगे A1, A1, A2, A2, इसी तरीके से बनेगा A1, A1, A2, A2, A1, A1, A2, A2। इसको करते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी गलती ना, क्योंकि एक बार अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका काफी टाइम जो है वो लग जाएगा इसको ठीक करने में। तो उसके लिए भी आपको एक ट्रिक जो है वो बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे जो है वो ध्यान देना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो गलती है वो कहाँ पे हुई है। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट तैयार हो जाता है। अब आप इसको जो होता है देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या जो है वो बना है। तो जैसे कि आप देखते हो कि इसमें क्या है, इसमें सारे करेक्टर जो है वो ए जो है वो आया है और A2 भी आया है इसमें कैपिटल, जो कि मतलब अवेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये अवेंड बनेगा। इसी तरीके से इसको देखते हो तो ये भी क्या बनेगा, अवेंड बनेगा। ये भी क्या बनेगा, अवेंड बनेगा। ये भी क्या बनेगा, अवेंड बनेगा। ये भी अवेंड बनेगा, ये भी अवेंड बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक अगर करेक्टर आता है, अगर एक करेक्टर आता है तो भी क्या बनेगा, अवेंड बनेगा। अगर ये दोनों आते हैं तो भी क्या बनेगा, अवेंड बनेगा। अगर ये इस कंडीशन में आता है तो भी क्या बनेगा, अवेंड। अगर ये इस कंडीशन में आता है तो भी क्या बनेगा, अवेंड। इसी तरीके से अगर ये एक भी आए तो भी क्या बनेगा, अवेंड ही बनेगा। तो आपको ध्यान रखना कि सिर्फ इस कंडीशन में जब आएगा जब क्या बनेगा, अवेंडलेस बनेगा, और बाकी सभी में क्या बनेगा, ये सब बाकी सभी में ये बन जाएगा अवेंड। अब देख सकते हैं इसमें सभी क्या थे, रिसेसिव थे, बस एक था, तो इस एक के कारण क्या बन गया, ये अवेंड बन चुका है। इस तरीके से इसमें देखेंगे तो A2 के कारण क्या बन गया, ये अवेंड बन चुका है। इसमें भी A2 के कारण, इसमें भी A2 के कारण, इसमें A1 और A2 दोनों आ गए थे तो दोनों के कारण बना है, इसमें A1 के कारण बना है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको याद रखना कि डुप्लीकेटेड जीन चाहे एक हो या दो, तो वे दोनों हो गए तो भी वही करेक्टर देंगे, एक हो तो भी वही करेक्टर देगा। तो इस तरीके से अगर जब आप इसमें देखते हो तो ये जो 16 रिजल्ट आपके सामने आया तो उसमें से 15 क्या बनते हैं आपके, अवेंड बनते हैं, और एक क्या बनता है, अवेंडलेस बनता है। इसलिए इसकी जो रेशो बनती है वो आपके पास क्या है, वो 15:1 है। 15 क्या आपके अवेंड है और ये क्या है, अवेंडलेस जो है वो बनते हैं। तो इस तरीके से जो है कि आपका डुप्लीकेट जीन जो है वो आपको बताता है कि जब भी एक या दो करेक्टर जो है प्रेजेंट हो गए वो सेम करेक्टर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी, एक या दो जीन प्रेजेंट और सेम करेक्टर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेट जीन कहेंगे। अब अगर आपको टॉपिक जो है समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।